हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 का हल करेंगे। तो आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है। आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहना और इसका पूरा मजा लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे 1,300 रुपये में खरीदी। कितने रुपये में खरीदी? 1,300 रुपये में खरीदी। इसको ग्राफ किया था तो क्या कहता है, इसको बीजगणित तथा ज्यामिति के रूप में व्यक्त करना है। कहने का मतलब आपको जहां मिल जाए कि बीजगणित अर्थात ज्यामिति, इसका मतलब समझना है कि आपको ग्राफ में रूपांतरित करना है। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाने के लिए हमें पता है दो कंडीशन होनी जरूरी होती है। दो कंडीशन कौन सी होती है, हमें उसकी क्या होनी पता चाहिए कि उसकी दो इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए और हमें उसके दो सारणी की वैल्यू पता होगी, तभी हम ग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए हम लेके आते हैं दो इक्वेशन को। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहीं से हम लेके आएंगे। देखिए देखिए इसने कहा क्रिकेट की टीम ने एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। माना कि एक बल्ले का मूल्य कितना है, एक बल्ले का मूल्य ₹1 है। उसी प्रकार आपको मानना है एक गेंद का मूल्य कितना होगा। माना एक गेंद का मूल्य, ₹Y है। कितना है? X और ₹Y है, ठीक है। तो इसने कहता है कि 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदता है। एक बल्ले का कितना रुपये है, ₹1 है। तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 बल्ले का 3x हो जाएगा ना। देखिए यदि कहता है कि एक बल्ले का ₹1 है तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 3x लिख दूं मैं यहाँ से, 3x लिख दिया मैंने। फिर कहता है कि उसने 6 गेंदे खरीदी। यदि एक गेंद का मूल्य ₹Y है तो 6 गेंद का 6Y, तो पहले 6Y, अर्थात इन दोनों का मूल्य उतने कितने इन दोनों का उसने कितना मूल्य चुकाया वो इसके बराबर लिख देंगे। 3,900 रुपये में उसने इन दोनों को खरीदा, एक तो 3x बल्ले खरीदे और 6Y गेंदे खरीदी, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाता है और इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। इसी प्रकार हमें क्या करना है, आगे कहता है क्वेश्चन में कि खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे 1,300 रुपये में खरीदी है। बाद में कहता है कि उसने क्या खरीदा, कि वो गेंद है वो, बाद में उसने 2 गेंदे खरीदी और एक बल्ला खरीदा। तो हम जानते हैं कि जो हमारा बल्ला था उसका मूल्य ₹1 था। उसने कितना बल्ले बाद में खरीदे, एक और बल्ला खरीदा, तो कितना हो जाएगा, 1x। तो मैं लिख दूं क्या, 1x। फिर प्लस उसने गेंद कितनी खरीदी, 2 गेंदे खरीदी, तो 2 गेंदे का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 का Y है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2Y। और दोनों का मूल्य कितना चुकाया उसने, दोबारा दोबारा उसने 1,300 रुपये उसका मूल्य चुकाया। इसी क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 से, हमें पता है जब हमें दो इक्वेशन मिल जाती है तो हम यहाँ से हमारी सारणी का पता कर सकते हैं। तो अब हमें अलग अलग मान रख के देखने हैं और यहाँ से हम दो सारणी बनानी है। तो चलिए चलते हैं ग्राफ पर। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या आ गया, ये दो इक्वेशन आ गया। इन इक्वेशन से हमें इन दो सारणियों के तीन तीन मान निकालने हैं, अर्थात एक्स और वाई का, एक एक्स का मान और एक वाई का, वाई के तीन तीन मान निकालने हैं और एक्स के भी तीन तीन मान निकालने हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है। सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण एक क्या, हमारे पास 3x+6y बराबर 3,900। ये है, यदि मैं इसे थोड़ा हल करूं तो देखिए इसमें मुझे पता है कि 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूं क्या। मैंने 3 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, x प्लस है तो प्लस, देखो 3 इनमें से कॉमन लिया, देखो 3 में जब 3 का भाग देते हैं तो 2 आया, तो 3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, 2y, ठीक है, बराबर में 3,900, ठीक है। और ये 3 मल्टीप्लाई में है, मैं इधर भेजूंगा तब क्या, कहाँ क्या हो जाएगा, ये गुणा में है, इधर जाएगा तो
भाग में, तो तीन या इधर गया। जब 39वें में हम तीन का भाग देते हैं, तीन एकम तीन, तीन तिया नौ और दो जीरो का दो जीरो, अर्थात हमारे पास ये तो तीन यहाँ चला ही गया। हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बनी एक्स प्लस टू वाई बराबर 1300। अब आप यहाँ से देखेंगे कि हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो इक्वेशन नंबर सेकंड के बराबर ही, यहाँ पे एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई बराबर 1300 बराबर 1300, दोनों इक्वेशन तो बराबर है। तो हमें पता चल गया हमारा काम अब और भी आसान हो गया। यदि हम एक इक्वेशन से इसके तीनों मान निकालते हैं, वही दूसरी इक्वेशन के मान आएंगे। हमें लिखना तो दोनों का है, लेकिन हमारा ग्राफ एक से ही बन जाएगा। तो चलिए हम इससे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको आप एक्स का मान रखकर वाई का भी निकाल सकते हैं, आप वाई का मान रखकर एक्स का भी निकाल सकते हैं। मैं देखिए क्या करता हूँ यहाँ पे कि एक्स का मान रखते हैं, चलो वाई का मान रखते हैं। देखिए यहाँ से क्या है, एक्स मुझे देखिए एक्स का मान निकालना है, जिसे निकालना है उधर उसको वहीं रखो। और यहाँ पे क्या था, 1300 था, और ये प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y। अब देखिए मैं y की वैल्यू रखूँगा अर्थात तो y का मान रखूँगा तो x का मान मुझे मिलेगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1300। देखिए y का ऐसा मान रखना है कि वो पूरा पूरा हल हो जाए। तो y का ऐसा क्या मान रखें, अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। देखिए कुछ मैंने वाई का क्या मान रखता हूँ, मैं वाई का मान 300 रखा मैंने। सोचो एक बार वाई की जगह क्या रखा, वाई इजिकल टू 300, 300 रखा। और 300 क्या कहाँ रखूँगा, हमने वाई का मान कितना रखा, 300। तो अब देखना एक्स का मान कितना आएगा। देखो 300 दो इंटू 300 रखा, 300 दूनी 600, अर्थात 1300 में से 600 गए कितने बचे, 700। अर्थात एक्स का मान कितना आया हमारे पास, 700। एक्स का मान कितना आया, 700। उसी प्रकार वापस इसी इक्वेशन को इसी इक्वेशन में एक्स का और मान रखते हैं, वाई का और मान रखते हैं सॉरी। तो 1300 माइनस अब की बार 2 इंटू वाई का ऐसा क्या मान रखें, अब की बार वाई का मान 400 रखते हैं, क्योंकि पहले 300 रख लिया अब 400 रख लेंगे फिर 500। तो देखिए 400 रखा, तो देखिए 400, 400 दूनी 800, 1300 माइनस 800, 13 में से 800 गया कितना बचा फ्रेंड्स, 500। तो एक्स का मान कितना आया, 500। वाई का मान कितना रखा था हमने, 400। और एक्स का मान कितना आया था हमारे पास, 500। इसी प्रकार हम वापस इसी इक्वेशन में क्या करते हैं, एक और मान रखते हैं क्योंकि हमें तीन मान चाहिए, 1300, 1300 माइनस 2 इंटू और अब क्या रखेंगे, वाई इजिकल टू 500, क्योंकि पहले हमने 300 रखा फिर 400 ये 500। अब 500 रखेंगे तो 500 दूनी क्या होता है फ्रेंड्स, 1000 होता है माइनस 1300। एक्स 13 में से 1000 गया 300, अर्थात एक्स का मान कितना आया फ्रेंड्स हमारे पास, एक्स का मान 300 आ गया। हमने वाई का मान कितना रखा, 500, एक्स का मान कितना आया, 300। तो यहीं रख देना, एक्स का मान हमने 500 रखा, वाई का मान 500 रखा, तो एक्स का मान कितना आया, 300। तो देखिए यही इक्वेशन हमारे पास सेम, यही है इक्वेशन नंबर दो। जब इसे भी हल करेंगे तो हमारे पास यही सेम वैल्यू आएगी। तो अब डायरेक्ट यहीं से लिख देता हूँ मैं एक्स, और देखिए एक्स और वाई का वो सेम ही बनेगी। जब एक्स का मान 700 तो वाई का मान कितना था, 300, और ये 400 तो ये 500, जब ये 500 तो ये 300। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ये दो समीकरण आ गई है। इन दो समीकरण से हम ग्राफ की रचना करेंगे। तो चलिए ले चलता हूँ मैं आपको ग्राफ पर। तो फ्रेंड्स ये रहा ग्राफ। तो हम जानते हैं कि ये इसका मूल बिंदु होता है, ये किस क्या क्या होता है, इसका मूल बिंदु होता है। और ये हम जानते हैं ये होता है एक्स एक्स, और ये हमारा माइनस एक्स एक्स होता है, अर्थात हम इसे एक्स डैश भी लिख सकते हैं। और ये क्या होता है हमारा माइनस का वाई एक्स, ठीक है। और ये जो हमारा होता है ये होता है वाई एक्स, वो भी प्लस का, ठीक है। ये हम जानते हैं, हमने इसे सीखा था पहले वाली वीडियो में। तो अब देखिए हमें पता है ये कि मूल बिंदु का ओ है। अब की बार देखो हमारे, मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अब की बार हमारे पास एक सारणी है। देखो दोनों से एक ही मान है तो दोनों से सेम ही आएगा। तो देखिए इस बार हमारा काम बिल्कुल आसान हो चुका है, क्योंकि हमें इस बार एक ही
जो हमारी सारणी है उससे मान देखनी है। तो देखिए हमें पता है कि 700, 500, 300, देखो 700 तक जाएगा, तो हम देखिए ऐसे एक एक करके तो 700 तक ग्राफ बना नहीं सकते, तो हम इसकी रेंज इस प्रकार लेनी है कि वो 700 तक पहुंच जाए। तो मैंने सोचा कि पहला डिब्बा किसके बराबर है, एक डिब्बा 100 के बराबर है, तो फिर 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, हमें तो 700 तक चाहिए। इसी प्रकार 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800। देखिए हमें पता है कि हमारी सारी वैल्यू प्लस प्लस की है। देखो ना, हम इस सारणी में हमें कहीं भी माइनस की वैल्यू नहीं मिली है, अर्थात हमें इस ग्राफ में प्लस प्लस की ओर जाना है। फिर भी आप लिख देना, लिखना चाहो तो, ये माइनस का 100 आ गया, ये माइनस का 200 आ गया, हमें पता है कि माइनस में जाना ही नहीं है, तो क्यों लिखी फिर ये माइनस का 100 और ये भी माइनस का 200। ठीक है, आगे मत लिखना क्योंकि हमें तो प्लस में ही जाना है। तो पहले देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि x का मान कितना है 700, तो x वाली लाइन कहाँ पे, ये रही x वाली लाइन क्या है, ये रही। इसमें देखो क्या दिया, क्या पूछा है, पहले x की वैल्यू 700, देखो x की वैल्यू 700 कहाँ पे है, ये रही। ठीक है, x की वैल्यू 700 है और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू 700 है तो y की वैल्यू 300, तो देखिए y की वैल्यू 300 कहाँ पे है, ये रही। तो देखिए ये 700 है, ये 300 है, इधर को जब आगे बढ़ाएंगे हम, इस रेखा को जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 700, जहाँ 700 है वहाँ रोक देना। यहाँ से देखो ये 700 है और ये 300 है, अर्थात इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 700 कोमा 300 लिख सकता हूँ ना। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्या है, 500, एक्स पर 500 देखना है और वाई पर 400, एक्स पर 500 तो मुझे मिल गया ये रहा, और वाई पर 400 क्या, ये रहा। और ये जब यहाँ से चलेंगे तो ये देखो ये आ गया, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 500,400। ठीक है, इसी प्रकार हमें तीसरा मान भी देखना है, तीसरा मान क्या है, 300 और 500, एक्स पर तो 300 देखना है, एक्स पर तो 300 ये रहा, और वाई पर क्या देखना है, चलो 300 को आगे बढ़ाओ, देखते हैं जहीं 500, जहाँ भी 500 मिलेगा वहाँ पर हमें रुक जाएंगे। देखो मैं चलता गया और यहाँ जाके मुझे क्या मिला, 500, तो ये क्या है, 300,500। ठीक है, और इस प्रकार हमारे पास तीन वैल्यू आ गई है, और अब इसे हम स्केल से जोड़ देंगे तो अब हमारे पास ये रेखा आती है। देखिए चलिए जोड़ते हैं, तो देखिए ये जो रेखा आई है हमारी, ये किस इक्वेशन की आई है, एक्स प्लस 2 वाई बराबर 1300। ठीक है, और जो दोनों इक्वेशन यही थी तो हम इसे एक बार लिख देंगे। इस प्रकार आपको ग्राफ की रचना करनी थी, बिल्कुल इजी था है, मुझे समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया होगा लेकिन आपको करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। देखिए फिर बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हल्के में मत लेना। आप यदि अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं और मेरिट में आना चाहता है, तो आपके लिए एक एक नंबर इम्पोर्टेंट होता है, तो आपके लिए आपको आसानी से यार एक क्वेश्चन को समझना है। तो देखिए मैंने अपना 100% दिया, आप भी अपना 100% देकर सीखने की कोशिश कीजिए, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है जिससे कि आप सीख ना सको। तो देखिए इस प्रकार हमें ग्राफ की रचना करनी थी, सबसे पहले इक्वेशन निकालनी थी, इक्वेशन निकाली फिर इसकी ग्राफ की रचना की। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और आज के इस वीडियो के अंदर हम हमारा जो चैप्टर 3.1 है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी है, वही है। देखो 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। देखिए चलो करते हैं, इससे हमें वापस वही मानना है कि जो सेब का मूल्य है, माना सेब का मूल्य X रुपये है और अंगूर का मूल्य Y रुपये है। फिर आगे तो आप जानते हैं, बिल्कुल इजी सा है यही भी क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स,
क्वेश्चन नंबर 3, माना माना कि सेब का मूल्य, 1 किलो सेब का मूल्य एक्स रुपये है, उसी प्रकार माना कि 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य भी कितना है, वाई रुपये है, एक्स और वाई रुपये है। अब कहता है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में वो क्या बोला गया है कि देखिए देखिए, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 2 किलोग्राम सेब है तो देखिए 1 किलोग्राम का मूल्य एक्स रुपये है, तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, से हम जानते हैं 2x हो जाएगा। फिर आगे कहता है कि 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना था, वाई, तो वाई का वाई लिख दिया मैंने। फिर कितना रुपये हो जाता है टोटल का, उसने 160 रुपये भुगतान किया, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, 160 रुपये भुगतान किया। तो इसका इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, इससे हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्राप्त होगी। इसी प्रकार वापस आपको ये लिखनी है पूरी प्रोसेस की, माना कि अंगूर का सेब का मूल्य एक्स रुपये है और अंगूर का मूल्य वाई रुपये है। ये किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है, हमें ध्यान से देखना। क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, ध्यान रखना कि 4 किलोग्राम तो सेब था और 2 किलोग्राम अंगूर था, उसका मूल्य कितना हो जाता है, 300। 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, तो देखिए फ्रेंड्स 1 किलोग्राम का मूल्य एक्स रुपये था, तो 4 किलो का कितना हो जाएगा, 4x। उसी प्रकार देखिए फिर आगे कहता है कि 2 किलो अंगूर, 4 महीने बाद बोला है 2 किलो अंगूर, तो 1 किलो अंगूर का मूल्य वाई रुपये है, तो 2 किलो अंगूर का 2y हो जाएगा। और टोटल कितना भुगतान करता है, टोटल देखना, ये देखो साफ साफ लिखा है कि 300 रुपये 4 महीने बाद भुगतान करता है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मूल्य कितना देता है, 300 रुपये। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गई। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 है, तो अब इससे हम क्या करते हैं, हम इससे हमारी जो सारणी के जो सभी मान है, वो 3 मान है, वो निकाल लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं ग्राफ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, इन 2 इक्वेशन से हमें 2 समीकरणों का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 क्या है, 4x+2y बराबर कितना है, 300 है। 4x+2y बराबर 300 है, तो यहाँ से मुझे पता है कि यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, 2x+y और बराबर में 300 था। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी 2 क्या आ गया, मल्टीप्लाई में आएगा, इधर भेजूंगा तो ये भाग में आ जाएगा, जब 300 में 2 का भाग देते हैं तो 150 आ जाता है। इस प्रकार हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, 2x+y बराबर 150। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब y का मान निकालेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि y अकेला है, और 100 देखो y इधर रखा मैंने, वो 150 और प्लस का 2x इधर जाएगा, तो माइनस का 2x। अब हम किसकी वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू हमें मिलेगी। माना कि सबसे पहले x की वैल्यू क्या रखते हैं, देखिए x की वैल्यू क्या रखी है कि ये पूरा पूरा हल हो जाए। तो देखिए मैं x की वैल्यू पहले 40 रखता हूँ, तो देखिए x इजिकल टू 40 रखने पर 40 दूनी 80 और 1500 150 में से देखिए 80 गया, कितना बचा फ्रेंड्स, 150 में से 80 गया, फिर हमारे पास कितना बचा, कितना बचा, 70 बचा। तो y का मान कितना आ गया, 70, x का मान कितना रखा था 40, तो लिख देना 40 रखा, कितना प्राप्त हुआ, 70 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इस इक्वेशन से तो देखिए y इजिकल टू 150, अब की बार x का क्या मान रखिए, पहले 40 रख दिया तो अब की बार 50 रख के देखते हैं, 50 दूनी 100 होता है, और 150 में से 100 गया, कितना बचा, 50 बचा। एक्स की वैल्यू 50 रखी तो वाई की वैल्यू भी कितनी प्राप्त हुई, 50, तो लिख देना एक्स की भी 50 रखी तो वाई की भी कितनी प्राप्त हुई, 50। इसी प्रकार इस इक्वेशन से वापस क्या थी हमारे पास, वाई इजिकल टू 150 माइनस 2 × एक्स की वैल्यू, अब की बार क्या रखते हैं, एक्स इजिकल टू क्या रखा, 60 रखते हैं, क्योंकि 40 रखा 50 रखा, अब 60 रखते हैं, तो 60 रखेंगे, तो 60 दूनी 120 और 150 में से
120 गया, कितना बचा फ्रेंड्स से, 30 बचा। तो देखो जब एक्स की मान 60 रखा तो वाई का मान कितना आया, 30, तो लिख देना 60 रखा और 30 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार अब हमें इसके इस इक्वेशन तो तीनों मान निकल गए, और इसी प्रकार तो इक्वेशन नंबर दो है उससे भी तीनों मान निकालते हैं समीकरण नंबर दो से। समीकरण नंबर दो से, समीकरण नंबर दो क्या है हमारे पास, देखना, 2x प्लस वाई बराबर कितना है 160। ये है, तो इससे क्या करते हैं हम, सबसे पहले वही सेम प्रोसेस कि x का मान क्या रखते हैं। अब की बार देखो y है, y 160, क्योंकि जो अकेला होता है ना उनमें से पद उसी का मान निकाला करो, क्योंकि आपको आसानी से निकलेगा। देखो y मैंने इधर रखा और 160 था 160, और प्लस का 2x इधर इधर गया, माइनस का 2x, ठीक है, और y और 160। अब देखो अक्स की मान ऐसा क्या रखें, तो पहले वहाँ पे भी 40 रखा, तो अक्स का मान यहाँ पे भी 40 रख के देखते हैं। तो अक्स का मान क्या रखा, 2 × 40, ठीक है, 40 दूनी 80, तो 160 माइनस 80 कितना बचा फ्रेंड्स, 160 में से 80 गया, कितना बचा 80। एक्स का मान हमने 40 रखा, वाई का मान 80 प्राप्त हुआ। तो देखो 40 रखने पर हमें 80 प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार इसी इक्वेशन से वाई इजिकल टू 160 माइनस 2 × इसमें क्या रखा था सेकंड बार एक्स का मान 50, तो इसी इसमें भी एक्स का मान क्या रखते हैं 50, जब 50 रखते हैं तो 50 दूनी 100, और एक देखो 160 में से 100 गया, कितना बचा फ्रेंड्स 60 बचा, 160 में से 100 गया, कितना बचा 60 बचा। कितना रखा था, अक्स की वैल्यू हमने 50 रखी थी, 60 प्राप्त हुई। तो देखो अक्स की वैल्यू 50 रखने पर हमें 60 प्राप्त हुई। इसी प्रकार एक बार और इसी इक्वेशन से y इजिकल टू 160 माइनस 2 × एक्स की मान क्या रखना है, इस बार एक्स का मान इसमें भी 60 रखा है, तो इसमें भी क्या रखते हैं, एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं 60 रखते हैं। तो 60 दूनी 120, तो 160 में से 120 घटाते हैं, कितना बचता है 40 बचता है। एक्स की वैल्यू 60 रखी तो वाई की वैल्यू में कितनी प्राप्त हुई, 40 प्राप्त हुई। तो देखो 60 रखने पर 40 प्राप्त होती है। इस प्रकार हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। अब इन दो इक्वेशन से हम ग्राफ की रचना कर सकते हैं। देखना कि बिल्कुल इजी सी गणना है, कुछ नहीं है, आपको दो इक्वेशन से मान निकालना आना चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आप इनको देखने से आप इनको हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक बार तो आसान लग रहा है, लेकिन जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या से क्या हो गया। आपको जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये आसानी से समझ में आ सकेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं ग्राफ पर। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा ग्राफ, मैंने ग्राफ पहले ही बना लिया। तो देखिए ग्राफ है, आपको पता है कि अब देखो अक्स मेरी सभी वैल्यू है वो प्लस में आई है, अर्थात मुझे प्लस में चलना है, तो मैंने प्लस की ओर थोड़ा ज़्यादा रख दिया, जो गैप है वो ज़्यादा रख दिया, और इसके भी गैप ज़्यादा रख दिया। और मुझे ये भी पता है कि मेरी वैल्यू 100 से ऊपर नहीं जा रही, अर्थात 60, 70, 80 तक जाकर मैक्सिमम कितनी है, 80 वैल्यू है मेरी एक्स और वाई की। तो मैं क्या करता हूँ, इस बार हमें 100 नहीं लेना है, क्योंकि मुझे तो पता है कि 10 10 के रेंज लेता हूँ तभी मेरे पास 80 हो जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे भी एक्स 10 लिया, देखिए 10 20, मैं लिख देता हूँ 30 40 50 60 70 80, मैक्सिमम 80 है तो मैंने इधर भी लिख दी। इसी प्रकार मैक्सिमम इसमें भी लिखता हूँ मैं 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है, तो मैंने इसमें भी लिख दी है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास मान आए हैं, वो मान इसमें रख के देखते हैं। तो अब इक्वेशन से हमारे पास क्या मान आए, मैं इधर रखता हूँ, देखिए। तो पहले इक्वेशन में क्या है, जो हमारी पहली सारणी है, पहली टेबल में हमारा मान है, एक्स का मान तो 40 है, एक्स का मान 40 देखो मुझे मिल गया, एक्स का मान तो ये रहा 40। अब क्या कहता है कि वाई का मान कितना है पहली इक्वेशन में, 80 है, अर्थात प्लस का है, तो प्लस का कहने का मतलब ऊपर चलना है आपको, ऊपर चलेंगे तो एक्स का मान क्या आता 40, और 40 से मैंने ऊपर चला, तो देखना कि जहाँ भी मुझे क्या मिल जाए, 80 मिल जाए, वहीं मैं रुक जाऊँगा। तो 40 ही चला, और 40 से चलते चलते मुझे कहाँ मिला, और इसी दिशा में होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर जाके क्या मिला, 80 मिला। तो मैं इसको लिख दूंगा, ये क्या है 40, 80 है, ठीक है। इसी प्रकार फिर कहता है कि 50 वाई का मान, एक्स का मान 50 और y का मान 60,
तो देखो मैं इसी रेखा में चलता हूँ और जहाँ मुझे 60 मिल जाता है वहीं रुक जाता हूँ। ये देखिए ये मुझे 60 मिला, इस ओर से भी 60 मिला और इस ओर से 60 मिला, क्या आ गया 50.60 आ गया। इसी प्रकार जो तो तीसरा मान है 60.40 वो भी रखता हूँ। 60 क्या था, ये रहा एक्स का मान 60 और वाई का मान 40, ये रहा। तो देखिए यहाँ से चलता हूँ मैं और 40 मुझे यहाँ जाकर मिला, कहाँ, ये रहा 60.40। तो अब देखिए इस रेखा को मिला देते हैं, तो देखिए मैंने मिला दिया और कुछ इस प्रकार रेखा दिखाई दे रही है। और हमें यह भी पता है कि रेखा किसकी है, पहली वाली, ये हमने किससे मान निकाला, ये पहली वाली इक्वेशन से मान निकाला। देखना ये पहली वाली इक्वेशन कौन सी थी हमारी, ये थी हमारी देखो 2x + y = 150। तो इसकी साइड लिख देना कि 2x + y बराबर क्या है 150। इसी प्रकार जो सेकंड टेबल है वो देखते हैं, सेकंड टेबल क्या है हमारे पास, x का मान कितना था, देखिए x का मान सेकंड टेबल में क्या है, x का मान 40, देखो x का मान मुझे 40 मिल गया और y का मान क्या है, y का मान 70 है। तो देखो 40 है, x का मान 40 और y का मान 70 देखते हैं। तो देखिए 40 कहाँ पे है, ये रहा, और y का मान, x का मान 40 और y का मान कितना था 70, तो y का मान ये रहा 70। देखो 40 से चला और 70 ये रहा मेरे पास, कितना यहाँ आ गया। तो यहाँ पे लिख देना है 40.70, ठीक है। फिर देखिए सेकंड क्या है, 50.50। तो देखिए ये एक्स का 50 रहा और जैसे ही मैं ऊपर चला तो मुझे इस डायरेक्शन में वाई का मान 50 यहाँ मिला, तो मुझे मैं यहाँ जाकर रुक गया 50.50, ठीक है। उसी प्रकार देखिए मुझे तीसरा मान क्या है, 60.30 है। तो एक्स का मान मुझे 60 यहाँ मिला और वाई का मान जैसे ही मैं ऊपर चला तो यहाँ मिला मुझे 60.30, ठीक है। देखिए इसे आप बिल्कुल सफाई से करेंगे, मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल इसे सफाई से करना है क्योंकि आपको जो जो एग्जामिनर होता है वो आपका डायग्राम देखता है, यदि डायग्राम सही है तो आपकी क्वेश्चन भी चेक नहीं करता है, डायरेक्ट आपका सही कर देता है। तो आपको आपका जो ग्राफ है वो इस प्रकार बनाना है कि जो आपको एग्जामिनर को आकर्षित कर सके। तो देखिए आप, मैं इस रेखा को मिला, तो इस प्रकार मैंने इस रेखा को मिला दिया और हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार का मिला हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्राफ बनाना बिल्कुल ईजी है, इक्वेशन निकालना बिल्कुल ईजी है, कुछ रटने की वाली चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, हर एक चीज़ समझनी है, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि रटी हुई चीज़ जीवन भर नहीं चलती है और समझी हुई चीज़ें जीवन भर चलती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमने हमने जो हमारा चैप्टर 3.1 का वो कंप्लीट कर लिया है और बिल्कुल हमने बारीकी से इसे किया है, चाहे टाइम थोड़ा ज़्यादा ही क्यों ना लग जाए पर हमें जो सीखना है वो ऐसा सीखना है कि कभी ना भूले। तो फ्रेंड्स आपको इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और आपको इसी प्रकार आपको अच्छे नंबरों से पास होना है। तो मैं आपके आपके भविष्य की शुभकामना करता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।